यूनिट टू पढ़ रहे हो ना, मोशन। हम लोग मोशन गति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज इसमें जो सब ग्राफ अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले सीख लो कि ग्राफ क्या होती है, है ना। ग्राफ यहाँ पर बायलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो तुम जो तुमको अच्छा लगता है वो अपना कर सकते हो, दोनों लिख लो। तो बायलिंगुअल भी हम पढ़े थे, ठीक है। ग्राफ क्या होता है बताओ, मैट्रिक में क्या पढ़ा गया उसके बारे में, समझाओ हमको ग्राफ, समझाओ, समझेंगे। पता है ग्राफ क्या होता है बताओ। इसमें जो रटा है वही बोलो। दो या दो से अधिक भौतिक राशि के, हम क्या पूछे क्वेश्चन, ग्राफ। हाँ तो क्या बोल रहे हो, अच्छा अच्छा रटे थे, अच्छा बोलो बोलो। ये डिफिनेशन रटा थी, डिफिनेशन कहाँ से आया अभी तुरंत, अभी तुरंत, अच्छा रटा थी कैसे, इतना ठोस है, अच्छी बात है। कभी आदमियों को रटे जाना पूरा देख करके याद नहीं होता है, हमको याद थोड़े होता है देख करके, वो तो दिमाग में सेट किया हुआ है मेमोरी, नहीं अनंत पेज वाला हार्ड डिस्क लगा हुआ है दिमाग में, वो कभी सटता ही नहीं है, जितना भरेंगे कहेगा और भर दो, 22-23 पेपर इसे भरा हुआ है, 7 पेपर पढ़ाते हैं, वरना क्या ना जो पेपर पढ़ना है, आर्ट में कोई पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ब्रांच पेपर में किस मतलब हर एक सेमेस्टर पढ़ाएंगे, फर्स्ट लेकर कहाँ तक सिक्स सेमेस्टर का ऑल पेपर है, थर्ड एक साल तो सब ईयर को पढ़ा देते हैं, क्योंकि सबको कम पेपर ही है, फिर मैकेनिकल तुम्हारा है तो आधे सेमेस्टर एक पेपर पढ़ाएंगे, ऑल ब्रांच हो तो एडवांस में हम ही पढ़ाते हैं, समझा गया ना, इतना पेपर कवर करते हैं, 30 प्लस पेपर हो जाता है लगभग, गिन सकते हो, गिना देंगे कभी नहीं तो गिनाने का टाइम नहीं है, कभी पढ़ोगे मौका मिलेगा तो गिन लेना उस समय। तो वहाँ जो लिखल है हम वो ग्राफ नहीं पूछे हैं, हम मैट्रिक जो पढ़ा है वो ग्राफ पूछ रहे हैं, मैट्रिक में ग्राफ पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या 2.1 से लेकर के 3.1 तक उधर, तो ये सब में कुछ बहुपद बहुपद है, ग्राफ वाला पेपर एग्जाम में आता है बनाने के लिए है, तो वो ग्राफ बोलो तुम बता सकते हो, याद नहीं है किसी को ना, खाली सिखा दिया बनाने के लिए बनाने के लिए सिखा दिया, अच्छा जी। दो स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखा एक दूसरे को कितना, ये क्या है, अरे क्या है, प्लेन है, मैथमेटिक्स में भी तुम पढ़े हो फिर भी नहीं बोला, हम भी पढ़ाए थे सुना ना होगा, कोई बात नहीं, ये प्लेन है ना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको आसानी से अध्ययन के लिए आसानी से अध्ययन चार भाग में बांट दो, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, घास काटा है शीशो कभी आराम जा करके पूरा उठा के ले पाएगा नहीं, उठा के ले पाएगा ना, कन्हा पर देंगे पूरा, कहेंगे लेके जाओ घर, नहीं कहेगा टोना बना लेते हैं, नहीं कहेगा, तो उसी प्रकार से अध्ययन के दृष्टिकोण से आसानी हो, प्लेन को तल को चार बराबर भागों में बांट दिए हैं हम लोग, क्या किए हैं, चार बराबर भागों में बांट दिए हैं, एक लाइन ऐसे बांटा तो एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, और फिर एक 90 डिग्री से गिरा दिए, तो चार भाग हुआ है ना, यही ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिमाग में गया है, तो इसको मैंने मान लिया है, इसको कहा है एक्स एक्सिस, हाँ वर्ड क्या यूज किया मैंने, होता नहीं है माना गया है, ये बात होता है क्या है, हम नियम चेंज कर देंगे, नहीं होता है, जो हकीकत है वही बताएंगे, इसे कहते हो एक्स अक्ष, अरे ई लिखल है एक माना गया है ना इसको, तो फिर मानी हुई बात है, इस ऐसे लाठी देंगे सीधा सीधी, इसको एक ही बोलना है, आज कई 100 साल से ये बात आ रहा है, दिमाग में सेट हो गया ये बात, अब इसको कहेगा दू तो कहेगा नहीं वो तो एक ही है, नहीं वो एक ही है, एक्स एक्सिस हो गया, और ये अपना क्या हो गया, वाई एक्सिस, जैसे अभी हमने मैथ में पढ़ाया अक्ष सही लिखा है ना, ऐसे ही लिखा, छोया कैसे लिखा जाता है,
देखो लिखल है वहाँ क्या लिखल है अक्षर अक्षर लिखल है ठीक है तो लिखे हैं जी एक्सिस कहा जाते हैं कहीं कहीं अक्षय संयोग भी लिखा होगा। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से प्लेन को तल को चार बराबर भागों में क्या किए हो प्लेन क्या है समतल क्या है बराबर नहीं समझे हम आई एम नॉट अंडरस्टैंड यू विल एक्सप्लेन जैसे ये टेबल है समतल समतल है ये भी क्या है समतल है समतल मतलब क्या हुआ प्लेन प्लेन अब प्लेन मतलब क्या होगा टू डी होगा जितना टू डी है उस सब का सब क्या होगा समतल समतल होगा सीधी सी बात है नहीं तो ये बात मैंने जाना ट्वेल्थ में पढ़ेगो मतलब पढ़ना है वहाँ पर ट्वेल्थ में पढ़ोगे समतल वहाँ चैप्टर है थ्री डी प्लेन ज्योमेट्री वहाँ पढ़ने के लिए है ट्वेल्थ में और एलिमेंट में भी कुछ चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होगा उसके बाद एपी पढ़ाएंगे उसके बाद देखेंगे पत्रा में कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद नहीं तो उसके बाद खत्म होगा फिर देखेंगे हम लोग एपी देखेंगे नहीं एपी पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं एपी के बाद चांस बनता है कि कोऑर्डिनेट ही हम पढ़ावे है ना तो दिक्कत एपी में सिर्फ मत दसवां के पी है वो तो एक घंटा खेला उतना नहीं जैसे त्रिकोणमिति क्या घंटा में पढ़ा दसवां का एक घंटा उतना घीच देंगे हम पकड़ करके नहीं तो उस स्पीड से चलेंगे तो लगेगा पंद्रह दिन पढ़ाने में पूरा एपी को हाँ ठीक है ग्राफ यहाँ पर क्या है जो मैथमेटिक्स में मैंने ग्राफ के बारे में पढ़ाया था एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पर भी समथिंग इस प्रकार दिखाते थे नहीं अब लेफ्ट राइट नहीं करोगे इधर उधर नहीं तो ये बात हो गई। यहाँ पर क्या करेंगे अध्ययन को आसान करने के लिए जो भौतिक राशि है जो फिजिकल क्वांटिटी है तो पता नहीं होगा क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी पता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि क्या होते हैं तो नोट्स देख लेना लेक्चर क्या बना है अभी प्ले लिस्ट में दोबारा तो होगा समथिंग ऐसे कुछ तो देखना ज़्यादा लंबा नहीं फिजिक्स का देख सकते हो तो मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा लेट से अपने दिन आए हो ना क्या महीना लेट किए हो कौन महीना चल रहा है जी नम्मा चल रहा है ना नेक्स्ट तारीख तीसरा महीना शुरू होता है तो 6 महीना तुम आराम करके आए हो रेस्ट करके आए हो तो कम से कम जो 10 लाख मैथ नहीं पढ़ो तो काम चलेगा अभी पहले कह देते हैं क्योंकि आगे जो नया चैप्टर चला समझ में आएगा लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको देखना पड़ेगा लेक्चर शुरू वाला केमिस्ट्री का तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का देख ही लेना जो चार गो इंटर का है और 2 गो मैट्रिक वाला वो देख लेना और केमिस्ट्री का शुरू से ही देखना पड़ेगा तुमको तभी होगा कंसेप्ट क्लियर पहले ही कह देते हैं नहीं तो भर फिजिक्स दिक्कत होगा 10-12 गो डिश है घर में जा करके वही देखना 2-3 दिन लगेगा देखने में देख लो फायदा है अभी टाइम है हाँ तो निकलो यहाँ से तो हम लोग जो मेरे पास भौतिक राशि है फिजिकल क्वांटिटी है और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है जैसे टाइम हो गया एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेशन स्पीड डिस्प्लेसमेंट जो भी इलेक्ट्रिसिटी है नहीं उसको अध्ययन के लिए हम लोग ग्राफ पर अध्ययन करेंगे तो 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करते हैं इनमें से 2 या 2 जैसे समय और विस्थापन के बीच संबंध करेंगे स्थापित समय और वेग के साथ करेंगे समय और चाल वेग के साथ तो जब 2 गो भौतिक राशि के साथ में संबंध करते हो स्थापित उसी को हम लोग ग्राफ पर क्या करते हैं प्लॉट करते हैं और वो जो ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है उस प्लॉटिंग के दौरान ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस उस प्लॉटिंग के दौरान जो स्वतंत्र भौतिक राशि होगा जो क्या होगा स्वतंत्र भौतिक राशि होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो स्वतंत्र भौतिक राशि होगा जो किसी पर डिपेंड नहीं होगा बोलो कौन कौन है मूल भौतिक राशि वही होता है स्वतंत्र भौतिक राशि अच्छा दिखेंगे हाँ तो ठीक है तो इसमें इस एक्स एक्सिस पर दिखाना है किसको बताओ स्वतंत्र चर राशि या
स्वतंत्र भौतिक राशि, भौतिक राशि एक्स एक्सिस पर दिखाना है। अब क्या होती है आगे देखेंगे, स्वतंत्र चर राशि या स्वतंत्र भौतिक राशि। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। जैसे मान लो साइन एक्स बराबर क्या लिखते हो, जीरो। एक्स स्वतंत्र है, एक्स के जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स का जो मान देगा ना, साइन का मान उसी अनुसार से निकलेगा, यानी कि वैल्यू जो इसका निकलेगा वो वैल्यू डिपेंडेंट है एक्स पर, कि एक्स तुम क्या रखते हो उसके अनुसार से साइन एंगल जिसे वाई भी कहते उसका वैल्यू निकलेगा, है ना। एक्स क्या होती है, इंडिपेंडेंट, और उसका जो निकलेगा वैल्यू पुट कर वो होता है डिपेंडेंट। चर और अचर वो अलग बात है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट अलग बात है। तो स्वतंत्र भौतिक राशि को लोग एक्स एंगल दिखाएंगे, और जो एक्स पुट करने के बाद, ये वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उसको दिखाना किस पर, वाई एक्सिस पर। तो ये बात ध्यान रखना है, कंपटीशन में पॉइंट फूट सकती है ये फैक्ट्स। और वाई एक्सिस पर दिखाते हैं आश्रित चर राशि को, आश्रित। अभी आश्रम योग मूवी आ रहा है बॉबी देओल का, देखा है ट्रेलर उसका, देख तो लिया होगा। आश्रित अभी रिलीज नहीं हुआ, आश्रित आश्रम आया है, मतलब क्या है नहीं देखिए उसको ट्रेलर दिख। तो आश्रित चर राशि या आश्रित भौतिक राशि मूवी देखना चाहिए कि नहीं, आश्रित क्या लिखना चाहते थे, भौतिक राशि नहीं देखते। हाँ मूवी का बहुत शौकी बात है, जो सही बात है वो बढ़िया वाले मूवी देखते हैं, सबको देखना चाहिए, जो टीचर जिसको रिकमेंडेड करते हैं वो मूवी। आश्रित भौतिक कुछ मूवी ऐसा है जो कि देखना चाहिए, साइंस स्पेस के बारे में बात करेगा, जैसे एक कौन मतलब टाइटेनिक मूवी हो गया, और भी बहुत सारा है, मेरे कॉपी में नाम लिखा है वो सब। कौन मूवी बोला, ज्वाला बोला, वाला बोला, के बारे में दर्रा वाला, तो ठीक है वो स्पेस बारे में बताया गया है कि चंद्रमा पर कैसे लैंडिंग करेंगे, दिखाया गया मंगल, मंगल यान मूवी करके है, इंडियन वाला नहीं, वो पल्टन होगा, मतलब वो पल्टन मंगल यान करके मूवी है, है ना। हमारी भाषा कैसा, इंग्लिश में बताएगा तुमको, स्वतंत्र चर राशि को या स्वतंत्र भौतिक राशि को, और वाई पर दिखाते हैं आश्रित चर राशि या आश्रित भौतिक राशि को दिखाते हैं, है ना। ये हो गया, ये बात हो गई। अब देखो कितने प्रकार का हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, भौतिक राशि के बीच कितने प्रकार का रिलेशन पढ़ेंगे, तो वही पांच को रिलेशन है, टाइप्स ऑफ ग्राफ। आज समझ में आता होगा फिजिक्स, टाइप्स ऑफ ग्राफ नया टॉपिक है, इसीलिए पकड़ के रखो पेज को। लड़का में पेशेंस नहीं होगा, दहेज जगह खाली कर देगा, नहीं अरे पेशेंस तो रखो, समझ में आएगा ही नहीं है, पेशेंस रखा नहीं तो कब का भाग जाता, भाग के जाएगा कहीं, यही बात भी है ना, नहीं मतलब जाएगा ये मजबूरी है, शहर में तो विद्यार्थी भाग जाता है, देर आर, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ, देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ, पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट हिंदी क्या होता है, विस्थापन, ये तो पढ़ी होंगी ना सब। हाँ तो फिर भी देख लेना, उसमें ज़्यादा फैक्ट डिस्कस किए होंगे, इंटर में पढ़ाए हैं ना वो चीज़, जो भी हम डिस्कस किए एक बार देख लेना, बेनिफिट्स होगा। इधर उधर कितना पढ़ो, जब तक मेरा अंदर लिखेगा तब तक 100% तो हम नहीं मानेंगे तुम सही में पढ़ आए हो, क्योंकि अभी तक तो इतिहास वही रहा है, ज़रूर जाकर देखना उसको, जहाँ भी पढ़े हो वो जरूर जाकर देखना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि हमको दूसरे भरोसा नहीं, मतलब क्या पढ़ाया है, है ना, जब तक खुद से पढ़ा नहीं देते तब तक वो कन्फ्यूज नहीं होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, चार नंबर में रिटार्डेशन, मंदन
टाइम, बारी बारी से पढ़ेंगे, अभी हेडिंग लिख रहे हैं, टाइम ग्राफ। पांचवा नंबर में स्पीड, टाइम ग्राफ। छठा नंबर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या है? डिस्टेंस टाइम। और लास्ट हो गया तुम्हारा सातवां नंबर में पोजीशन टाइम ग्राफ। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा हम वो भी डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना पढ़ा कंपटीशन में क्या आ सकता है, आने का चांस नहीं है। आएगा तो यही पूछेगा एक्स एक्सिस में क्या दिखाते हो, स्वतंत्र चर राशि को वाई पर आशी चर राशि, इतना बात ही बस, और कुछ नहीं है, ध्यान रखना है ना। न्यूमेरिकल एबीसी का प्रश्न 122 क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जाएंगे तब बताएंगे वहाँ पर, है ना। अब नया पेज लाओ, नया पेज लाओ, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से बारे में पढ़ेंगे कि क्या है नहीं है, है ना। कोई तो 17 मिनट ही बैटिंग किए हो, 10 बजने हो, 20 मिनट छोड़ दें क्या? नहीं, एक पेज बना दीजिए। बना देते हैं, आज नहीं गए थे सर, गए थे नया लगाओ, कन्वर्ट करो। बस जल्दी लगा जाकर बनाना, किताब पढ़ना। किसे लिए हो किताब? कचरा, वहाँ से ट्रांसफर कर लेते हो मेरे कचरा से? अच्छा वो किताब अब मेरे पास भी था, कहाँ गया नहीं गया कोई था पता नहीं है, इतना दिन हो गया उसका, 5-6 साल पता नहीं है। बोले किसी को तो बोल नहीं, दोनों पंची हो गया। अरे बहुत मजा रहता है, 500 में देता है। देखो ये पेज पर आकर हम लोग छोड़, ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तुम बताओ? नहीं है पता हमको, पता है नहीं पता, थोड़ा सा जान लो। हिंट देते हैं, पिछला लेक्चर में डिस्कस किए हैं सारा टॉपिक, नहीं किए हैं हम मतलब जड़ से चढ़ते हैं छिपी की तरफ, ऐसा नहीं बीच से, तुम बीच में ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नहीं हम लोग पिछला कहानी सब बात कर चुके हैं, जैसे ए से मान ले तुमको बी तक जाना है, ए से कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है, एक रोड ऐसे जाना है इस प्रकार से, यही पता होगा। अभी उतना ही इंजेक्शन देंगे हम लोग, तो बहुत बात किए थे। रेशियो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम एक से बड़ा एक छोटा होगा, ये पढ़ी थी है ना? नहीं पढ़ा होगा, हमको पूछो तुम क्या पढ़ा है कॉपी हम देखते ही नहीं है विद्यार्थी का, खाली फलना का नाम बता दो हम समझ जाएंगे क्या पढ़ाए होंगे। नहीं तो तू जाकर देखना वहाँ पर, जो नोट नहीं पढ़ाए थे एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो ए से बी तक जाना है, यहाँ पर छोटी सी हम लोग बात करेंगे आगे के टॉपिक कन्वर्ट करने के लिए, डिटेल में चर्चा हम किए वहाँ पर। ए से बी तक हमको मान लो जाना है, तो दो रास्ता मेरे पास, एक रास्ता ये भी एक रास्ता ये भी है। तो जब दो बिंदु ये हो गया दूरी, इसको क्या कहते हैं? दूरी। जैसे जैसे रोड है वैसे वैसे दूरी हो गया, हेलीकॉप्टर से जा ना कहे जाते हो गया डिस्प्लेसमेंट। बात बुझा? सीधी बात है, अब इतना ही बात हम लोग करेंगे। तो ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हो शॉर्टेस्ट पाथ, दो बिंदु बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसी क्या कहते हो? विस्थापन। हाँ इतना ही अभी जानना ही है, और सब चीज बहुत बात हम लोग जान चुके हैं, जाकर देखो लेक्चर जब कर रहे हैं देखने के लिए। तो अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो ग्राफ के बारे में ही डिस्कस करेंगे हम लोग, तो अब इस पर है ना लाइन बिल्कुल सीधा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इसे कहते हो एक्स, ऐसे कहते हो वाई। किसके बीच में दिखाते हो ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ऐसा कौन चीज है जो स्वतंत्र है, तुम बताओ स्वतंत्र कौन चीज है बताओ? यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंडिपेंडेंट तुम बताओ, तुम बताओ कौन स्वतंत्र है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम में
स्वतंत्र कौन था, स्वतंत्र कौन है? डिस्प्लेसमेंट की टाइम, देखो समय को बंद रख सकते हो नहीं रख सकते हो, समय क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। चाहे तुम यहाँ से जाओ धीरे धीरे आके जाओ फास्ट से, टाइम तो मतलब लगेगा ही, घटेगा टाइम तो लगेगा ही, टाइम आगे बढ़ेगा काटा, उसको तो रोक नहीं सकते। इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि हम जितना दूरी तय करोगे, क्योंकि इसीलिए डिपेंडेंट हुआ। मान लो यहाँ से कहीं जाना है तो कुछ टाइम लगेगा जाने के लिए, तुम कुछ टाइम लगाओगे तभी ना कहीं जाओगे। जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी हमको, टाइम की, कहते हैं ना टाइम नहीं है मेरे पास अभी नहीं जाएंगे, टाइम की जरूरत पड़ा था। टाइम क्या, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, और सब क्या है, टाइम पर निर्भर होता है, डिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट इसको कहाँ दिखाओगे, एक्स एक्सिस पर, आप बात बुझा, और डिपेंडेंट को कहाँ दिखाओगे, वाई एक्सिस पर। डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला बात, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का हम लोग बात किए। तो पहला बात करेंगे हम लोग ईवी के बारे में। मान लो अभी यहाँ कितने देर से बैठे हो, आधा घंटा डेढ़ घंटा से ना, अभी बाहर गए थे ना, फिर बैठने के हम लोग स्टार्ट पढ़ाई किए लगभग आधा घंटा से, 25 मिनट हुआ होगा। तो कहीं गए हो उठ करके, कहाँ गए हो अभी, अरे आने के बाद कहीं नहीं उठे हो अभी, क्या टाइम रुका हुआ है, नहीं सर, टाइम क्या है, अब तुम बैठे हो, तुम विराम की स्थिति में हो, रेस्ट में हो, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, चल बढ़ रहा है। यानी कि हम तो बैठे हैं, टाइम बैठा नहीं, नहीं है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हम वाई एक्सिस की तरफ कुछ नहीं बढ़ रहे हैं, ये वाला गॉप हो गया। टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, एक बार में यहाँ से कुछ दूरी तय कर लिया, मान लो कुछ दूरी तय, बैठे हो यहाँ पर आराम से, आगे तुम जा ही नहीं रहे हो, आगे जा ही नहीं रहे हो, इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हो, यहाँ पर दिखा सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ से स्टेशन गया, बस स्टेशन, बस पर बैठा, यहाँ से बस स्टेशन गया, बस कुछ दूरी तक किया ना, ठीक है, क्या हुआ हंस रहे हो बहुत, ग्राफ समझ में गया ना, ये ग्राफ यहाँ पर ये बता रहा है टाइम कंजप्शन हो रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में वस्तु का वेग क्या होगा, तुम्हारा जीरो होगा, इसको एक कहेंगे, इसको बी कहेंगे, वही है। जब कोई वस्तु विराम की स्थिति में हो, रेस्ट की स्थिति में हो, तब विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा, विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, और समय अक्ष के ये जो ग्राफ होगा समय अक्ष के समांतर होती है, इसकी ढाल स्लोप शून्य होगा, कुछ ढलान है एक्सिस से, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है ना, पैरेलल, कुछ भी स्लोप ढाल उल नहीं है। उस समय ढाल इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ लिख सकते हो स्लोप बराबर जीरो, इस लाइन का स्लोप बराबर, झारो इसको एक बार ला जाओ, खत्म हो गया, नहीं होगा खत्म, इससे लिखते कहाँ है, स्लोप बराबर, इसको खाना नहीं देगा तो काम करेगा ये है, इसका स्लोप क्या होगा यहाँ से, जीरो, समझ में, अगर आप जब जाओगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ग्राफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ाएंगे, वहाँ पर जितना सोचते हो उससे कई गुना अधिक पढ़ाएंगे, तब वहाँ सीखना ये सब बात की। ये ग्राफ ये बता रहा है एक्स का तो वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन वाई का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, और ये वाई बराबर कॉन्स्टेंट का ग्राफ है, वाई बराबर कॉन्स्टेंट बोलेंगे, यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस पर कट कर दिया है, और एक्स कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है एक्स तो बढ़ ही रहा है, वाई एक बार कॉन्स्टेंट फिक्स कर दिया, अब एक्स तो मतलब नहीं वही रहेगा अपना, क्या हुआ, किस मतलब कहना। अब नेक्स्ट ग्राफ देखो, इसमें इतना ही चीज जानना है, हम बोलेंगे कि जब वस्तु विराम की स्थिति में हो उस समय विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा में होती है,
उस वस्तु की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। और उसका स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। मैं तो जाना तो वहाँ पर सीखना। अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब मान लो जब कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील हो, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, मतलब गाड़ी के चाल चेंज उंज नहीं करे, गाड़ी 80 फिक्स कर दे, गाड़ी कतर जा रहा है, 80 पर जा रहा है, चेंज उंज नहीं हो रहा सीधा नहीं। तो अब मान लो जैसे एक मिनट में तय किया 100 मीटर, कितना फिर अगले एक मिनट में कितना तय करेगा, फिर अगले मिनट में कितना करेगा, इस प्रकार से बनाएगा ना ग्राफ। एक सरल रेखा आती है, एक क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो मैट्रिक में ग्राफ बनाने सीखे हो, इस तरफ ले लो टाइम, इस तरफ ले लो डिस्प्लेसमेंट, एक दो करना, 100 200 300 करना, ग्राफ कितना ऐसे ही आता है ग्राफ बना के, बन करके। यानी कि जिस रेशियो में टाइम बढ़ रहा है उसी रेशियो में विस्थापन भी बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में ग्राफ आएगी, ये आएगी जीरो। इसको मान लो सी कहा है, तो उसी को सी कह दिया। तो जब कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील हो, कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज क्या हो, तब विस्थापन समय ग्राफ मतलब नत समतल सरल रेखीय होती है, इनक्लाइन होती है, इस प्रकार से, है ना। ये समझ में आ गया ना, थोड़ा सा और समझो इसको। अब देखो जैसे इसका स्लोप तुम निकालेगा यहाँ पर, यहाँ समझो, जैसे यहाँ पर तुम एक्स लिया, यहाँ पर वाई लिया, ये दो है मान लो, तो ये चार आएगा, ये दो, इसका दो तीन करो तो कितने आएगा, छः। ये मान लो चार करो तो ये आएगा, और इसका ग्राफ बनाओ। मान लो दो चार है, एक्स बराबर दो यहाँ आएगा मान लो, दो इतना है, इसका दोनों चार यहाँ, तो यहाँ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब एक्स बराबर कितने ले लो, तीन ले लो, है या तीन लिया, एक्स बराबर कितने लिया, तीन, यहाँ आया तीन, तो बोलो वाई बराबर कितने होगा, छः, तो छः यहाँ जाएगा, जाएगा ना, अरे जाएगा ना। अच्छा अब एक्स बराबर चार लो, चार कहाँ, यहाँ आएगा, वाई बराबर कितने आएगा, आठ यहाँ आएगा। देखो बना स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन पूरा बनेगा, तुम समझो ऐसे बनेगा लाइन। अब बात बुझा ना, यही अगर आप वहाँ खींचा गया है ऐसे आती है ग्राफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, गाड़ी फिक्स कर दिया सी पर, गाड़ी जा रहा है उसी रेट से, एक किलोमीटर मान लो एक मिनट में तय किया एक मीटर, या एक मीटर एक मिनट में तय किया 100 मीटर, तो अगले 100 अगले कितना बोले, 100 मीटर बोले, 100 मीटर को तय करने के लिए भी तुमको एक मिनट का समय चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ये बात समझ में आ गया ना। अच्छा लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तुम कभी स्पीड कम करोगे, कभी स्पीड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, तो एक ग्राफ ऐसी आएगी। ये ग्राफ पर ही थी, ग्राफ ये नहीं, ये हो गया डी। इसे कहते हो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब देखो थोड़ा सा इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब यहाँ समझो, वैसे पढ़ाने पड़ेगा टॉपिक ये। ये ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस अपना, ये क्या है, वाई एक्सिस है। अच्छा दिखा दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार। अब देखो यहाँ करेगा मान, है देखो यहाँ ऐसे इस बिंदु को लो, एक यहाँ ऐसे मिलेगा। अच्छा इस बिंदु को लेगा ना, है देखो ऐसे हुआ, इसको लेगा तो है देखो यहाँ आया, इसको लेगा तो है देखो यहाँ आया, इसको लेगा तो है देखो यहाँ आया, इसको लेगा तो यहाँ आया। तो कौन ज़्यादा बुझा रहा है तुमको बताओ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का जो ग्राफ निकाला है, इसमें कौन ज़्यादा है कौन कम है, किसके तरफ झुका है ग्राफ, टाइम की तरफ। जब किसी वस्तु की वेग में वृद्धि हो, किसी बॉडी के वेलोसिटी में क्या हो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, नहीं देख रहे हो पूरा गाड़ी चला रहे हो, कैसे फास्ट चला रहे हो। जब किसी वस्तु की वेग में वृद्धि हो तब विस्थापन समय ग्राफ वक्र होती है एवं विस्थापन अक्ष की ओर झुकी हुई रहती है, ओडी के बारे में बता रहा है। ये विस्थापन अक्ष की तरफ नहीं है झुकल, देखो तुम विस्थापन अक्ष की तरफ क्या है, झुकल है। तो यहाँ थोड़ा सा एनालिसिस करो, यहाँ पर जैसे तुमने इस बिंदु को लिया, ये ग्राफ ऐसे है ना, इस बिंदु को लिया, समझो बात को, इस बिंदु को लिया, ये कितना आया इधर, एक, ये कितना है, एक। अच्छा ये देखो कम में आया, इस पर देखो टाइम ज़्यादा है दूरी कम है, टाइम ज़्यादा है दूरी कम है, यहाँ पर है देखो टाइम ले लिया है इतना, आ ये कितने को इधर गया है, बात बुझ रहे हो, समय ज़्यादा लिए हो,
समय ज्यादा लिए हुआ दूरी कम लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा गाड़ी का, ऐसा बात नहीं है। और फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ बात करेगा, जैसे यहाँ पर देखो जैसे जैसे ऐसे जा रहे ऐसे ऐसे तुम जाओगे तो टाइम कम लोगे, वाई का तरफ बढ़ रहा है तो क्या उस कंडीशन क्या हो जाएगा, दूरी ज्यादा तय करेगा टाइम। यहाँ तक ग्राफ का क्या स्थिति है, जैसे यहाँ पर इसको ऐसे गिराओगे ऐसे गिराएगो, देखो एक्स एक्सिस पर कितने चला अब एक्सिस पर कनी गो, सोचो बात को यहाँ से यहाँ बात करोगे तो एक्स पर चला ना बहुत, इसके रिस्पेक्ट में इधर वाई पर थोड़ा सा चला ना, समझ में आ गया ना। यहाँ एक्स पर ज्यादा चले हो और वाई पर यहाँ देखो ना क्या उधर देख रहे हो, नहीं समझ में आएगा। फिर एक्स पर यहाँ से ज्यादा चले हो और वाई पर क्या हुआ है कम चले हो, तो समय ज्यादा लिए हो लेकिन दूरी कम चले हो। यहाँ बात करेंगे समय ज्यादा लिए हो लेकिन दूरी कम चले हो, और यहाँ बात करो है या यहाँ पर समय ज्यादा लगभग थोड़ा थोड़ा स्पीड गाड़ी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसी कहते हैं इंक्रीजिंग स्पीड। यहाँ बात करेंगे यहाँ बात करेंगे यहाँ बात करेंगे समय इतना और दूरी इतना, यही बात करेंगे समय इतना और दूरी ज्यादा, तो धीरे धीरे क्या होगा इस ग्राफ में, इस ग्राफ में धीरे धीरे क्या होगा कम टाइम में ज्यादा दूरी हम लोग क्या करेंगे तय करेंगे, उसी को ग्राफ को कहा जाता है। शुरू शुरू में गाड़ी चलाते हो टाइम, मान लो यहाँ से कतरा जाने में 90 पहुँच जाएगा, क्या घंटा लगेगा जाने में सहरसा, आधा घंटा से कम में लगेगा, 25 मिनट लगेगा ना, कटर लगेगा ना अब कोई। अब मान लो यहाँ से तुम जाते हो कहीं, जाते हो ट्रेवल करने के लिए, तो शुरू शुरू में जो तुम्हारा रोड फ्री रोड पर चलाते हो बाइक पूरा 100 पर देकर चलाते हो, एक्सीडेंट हो तो लेकिन 90 पर ही 100 पर ही चलाएं, कम नहीं होगा। ओके कोई बात नहीं है। अब जैसे गाड़ी बाइक चलाते हो वही ग्राफ बाइक का, तुम्हारा ये बाइक का ही ग्राफ है। शुरू शुरू में एक घंटा में चला तुम मान लो 50 किलोमीटर शुरू शुरू में, कमे मान लो एक घंटा में चला मान लो 20 किलोमीटर शुरू शुरू में, एक घंटा में कितना चला 20 किलोमीटर गाड़ी स्लो था ना। अब बाद में तुम वही एक वही 50 किलोमीटर अथी 20 किलोमीटर आधे घंटा में चल गया, क्या सीखा? शुरू में जो चला था ना टाइम ज्यादा लगा लेकिन दूरी कम तय किया, बाद में अच्छा रोड पिचिंग पकड़ा गया टाइम कम लगा और दूरी ज्यादा, यही ग्राफ दिखा रहा है। तो कुछ दूर तक इसमें क्या बता रहा है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा दूरी कम किए हो। अब गाड़ी में दो 90 फ्री का पेट्रोल भरा लिए हो, अब एक्सीलेटर दे रहा हो चल जरे तो जरे, टाइम कम लगेगा दूरी ज्यादा, उसी को कहते हो इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तुम्हारा धीरे धीरे चाल क्या होगा बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, ये ग्राफ हो गया। और ये विस्थापन अक्ष की तरफ झुकी हुई है, बोलो दिमाग में गया ग्राफ, खाली ऐसे टिटिर मार देने से डिटिर खींच दो उससे कुछ होता है गेगा हो गया नहीं कर देगा, चलो अगला बढ़ो उसे नहीं मतलब समझो क्या तुमको बता रहा है ये ग्राफ है ना। अगला देखो वही है ओडी यहाँ क्या है, उन्हें पूछेगा परीक्षा में, जब किसी वस्तु के वेग में क्या हो वृद्धि हो तब विस्थापन समय ग्राफ वक्र होती है, कर्व होती है, ये 2 डिग्री कर्व है ना, एवं विस्थापन अक्ष की ओर झुकी होती है। लेकिन हर एक बार ऐसा होता है नहीं, अब सहरसा से गांव जाओ शहर से गांव जाओ तो शुरू शुरू तो पिचिंग मिलेगा, गाड़ी खूब चलाएगा स्पीड से ना, यानी कि कम टाइम में क्या होगा ज़्यादा दूरी तय लो कम यहाँ से है ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो इसको, यहाँ ग्राफ को हम एनालिसिस करते हैं, ग्राफ को यहाँ एनालिसिस करते हैं, पकड़ो एनालिसिस। आप देखो जैसे यहाँ बात करो, देखो इतना टाइम लगा और दूरी इतना ट्रेवल कर लिया, ये कम है और ये ज्यादा है ना, इतना टाइम में ही इतना दूरी, यहाँ बात करेंगे इतना टाइम में ही इतना दूरी, नहीं लग रहा है ना कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहाँ देखो फिर इतना टाइम में इतना दूरी ट्रेवल किया, नहीं हो रहा है ना। जैसे आगे बढ़े ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो है देखो तब क्या होगा उस कंडीशन में टाइम लगेगा ज्यादा लेकिन दूरी तुम कम में कम तय करोगे। देखो ये दूर दूर भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, नजदीक ही भाग रहा है। ये ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ। डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब शुरू शुरू में स्पीड क्या था
ज्यादा था, स्पीड ज्यादा था, टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। स्पीड ज्यादा है, टाइम कम लगेगा। स्पीड ज्यादा होगा तो कम समय में ज्यादा दूरी ट्रेवल करेंगे, नहीं उसको कह देंगे कि डिक्रीज, धीरे धीरे वेलोसिटी घट रहा है, चाल गाड़ी का धीरे धीरे घट रहा है। ये ग्राफ तीनों समझ में आया? ये बात लिखल है कॉपी में, इसको मैंने वही नाम दे दिया। तो आइए, किसके तरफ झुकल है? समय अक्ष के तरफ। किसके तरफ झुकल है? समय अक्ष के तरफ। जब किसी वस्तु के वेग में कमी हो, धीरे धीरे वेग क्या हो रहा है इसका? कम रहा है, कमी हो, तब विस्थापन समय ग्राफ क्या होती है? वक्र होती है। क्या होती है? वक्र। एवं समय अक्ष के तरफ झुकी होती है। अब लास्ट फैक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, एफ जी पढ़ेंगे, एफ जी वाला है फैक्ट्स। अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, जब कोई वस्तु अनंत वेग से गतिशील हो, वस्तु क्या हो? अनंत वेग से गतिशील हो, बहुत स्पीड से, सूर्य का छोड़ दो, अनंत वेलोसिटी नहीं, उसको तो नाप लिया है, भगवान का स्पीड ले लो। भगवान क्या होते हैं? यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, उसका वेलोसिटी क्या है? अनंत है, वो अनंत वेलोसिटी से गतिशील है। तो जब कोई वस्तु अनंत वेग से गतिशील हो, तब विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखीय होती, विस्थापन अक्ष के समांतर होती है। अनंत वेग से कहने का मतलब ये हुआ, दूरी तो तय कर रहे हो, समय नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं, समय नहीं के बराबर समय ले रहे हो, नहीं के बराबर समय ले, यानी कि उसका ये ग्राफ होगा एफ और जी, मैंने मान लिया इस प्रकार से। भी बराबर क्या होगा? बहुत हाई वेलोसिटी से, कनी गो सेकेंड ऑफ फ्रैक्शन में बहुत दूरी तय कर जाते हो, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है पॉसिबल ऐसा कि टाइम लगेगा कनी गो, यहाँ से अमेरिका पहुँच जाएंगे, दिल्ली पहुँच जाएंगे, वो तो दो दिन ट्रेन में बिताना पड़ेगा, घर वाला वो भुजिया और रोटी खा करके महक जाएगा, तैयो नहीं होता है, जाकर पूछो पता चलेगा तब ट्रेन वाला को, नहीं घर में तो बना कौन खाएगा। ऐसा होता कि इन वेलोसिटी इन्फिनिटिव है और टाइम कुछ लग ही नहीं रहा है, ऐसा तो फिल्म होगा नहीं, कुछ दूरी तय की हो तो टाइम तो लगेगा ही, थोड़े कहेंगे टाइम को तुम बैठो हम होकर आते हैं वहाँ से, टाइम नहीं बैठता है, कितना घोष दो टाइम नहीं बैठता है, ऐसा रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जब कोई वस्तु अनंत वेग से गतिशील हो, बहुत हाई वेलोसिटी क्या हो? गतिशील हो, तब विस्थापन समय ग्राफ क्या होती है? सरल रेखी होती है एवं विस्थापन अक्ष के समांतर होती है। इस प्रकार की गति संभव कभी भी संभव नहीं है, केवल कापी कलम पर संभव है। आज का प्रोग्राम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट हम लोग फिर इसी टाइम में कल शाम में मिलेंगे, जो भी अपना समय है।